हेलो एवरीवन, आज हम लोग अमोनियम रेटिकम के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी प्रूविंग नैनिंग ने की थी। हम इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं कि हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एनोस्मिया के केस में मींस क्या हो गया, लॉस ऑफ स्मेल, मतलब हमें कोई भी सुगंध ना आ रही हो। जैसे अभी हम कोरोना काल में सुन रहे हैं कि पर्सन को लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिलता है, उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन, मतलब ब्रोंकियस जो होते हैं उसका इन्फ्लामेशन हो जाए उस कंडीशन में दे सकते हैं। कोराइजा के लिए, मतलब नाक से अगर डिस्चार्ज हो रहा हो या ड्राई कोराइजा देखने को मिल रहा हो उस कंडीशन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन, अगर म्यूर ग्रुप की बात करते हैं हम, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए वो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जैसे नेट्रा म्यूर हो गई हमारी, मैग म्यूर हो गई, फिर अमोनियम म्यूर जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। तो अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पर्सन देखने में कैसा होगा। तो इसका पर्सन जो होगा बहुत ज्यादा फ्लैबी होगा, फ्लशी, मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा मोटा थुलथुला होगा। बट इस पर्सन का जो लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब स्पेशली लेग्स की बात करें, तो बहुत ज्यादा पतले होंगे। मीन्स क्या हो गया कि ऊपर से तो पर्सन बहुत ज्यादा मोटा है बट उसके पैर बहुत पतले पतले हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्सन है जो कि ऊपर से मोटा है नीचे से बहुत पतला है, तो कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो अमोनियम में, ठीक है, ऊपर से तो फ्लैबी है, फैटी है, बट नीचे से बहुत ज्यादा थिन है। इसके बाद इसके वुमेन की बात करें तो इसके वुमेन का जो होगा ना बटक एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है, बड़ा होगा एज यूजुअल अगर हम नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करें तो। उसके बाद चिली पर्सन होगा ये, इसको ठंड बहुत जल्दी अफेक्ट करेगी, ठंड से इसको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमें। सोरा एंड साइकोसिस में आज देखने को मिलता है इस पर्सन में हमें। अब हम इसके एक्शन की बात करते हैं कि इसका एक्शन हम कहाँ पे देखेंगे। तो इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में, जीआईटी में, स्किन में, फीमेल जेनाइटल्स में बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। हम गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं तो इस पर्सन में सबसे पहले अगर हम इसके कफ की बात करें तो मॉर्निंग के समय में इस पर्सन में ड्राई कफ देखने को मिलता है। आफ्टरनून के समय में वही कफ जो है ना लूज हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टोरेशन होता है, मतलब जो स्पुटा होता है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। और स्पुटा का कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का स्पुटम निकलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि एक्रिड नेचर का होता है। एक्रिड नेचर मीन्स क्या हो गया कि जो भी इसके डिस्चार्ज होंगे वो तीखे होंगे, उसकी जो टेंडेंसी होगी कोरोडिंग टेंडेंसी, मतलब छीलने वाली टेंडेंसी होगी। तो जो इसका डिस्चार्ज होगा उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा छील, मतलब छिल जाएगा हमारा इंटरनल नोज, जैसे नोज के इनसाइड में देखें अपर लिप्स में बहुत ज्यादा छिला हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसके बात करें कि कफ के सिम्टम्स या कुराइजा कब बढ़ जा रहे हैं, तो अगर पर्सन सो जाता है लाइंग डाउन पोजिशन में, इसके कंप्लेन एग्रावेट हो रहा है। स्पेशली अगर पर्सन बैक के साइड से सोता है तो इसके कंप्लेन बढ़ जाएंगे, और पर्सन अगर राइट साइड से लेटता है तो भी इसमें हमें कंप्लेंट्स एग्रावेट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा एक स्पीड के साथ, मतलब बहुत ज्यादा रश, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से फेस में और हेड में रश ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें बेलाडोना एंड ग्लोनाइनम में भी देखने को मिलता है, रश ऑफ ब्लड फेस में और हीट में। उसके साथ क्या हुआ, कैरोटिड आर्टरी में बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन भी देखने को। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं तो इस पर्सन में हमें डायरिया देखने को मिलता है मेंसेस के समय में, ड्यूरिंग मेंसेस इस पर्सन में बहुत ज्यादा डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अगर अब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारी जितनी भी म्यूरेटिकम ग्रुप की रेमडीज होती है बहुत अच्छी होती है, उनमें क्रम्बलिंग देखने को मिलता है। क्रम्बलिंग वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें स्टूल जो होता है ना बहुत ज्यादा ड्राई देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे पर्सन को, उसके बाद स्टूल पास आउट होगा। और उसके बाद ना पर्सन को बहुत ज्यादा पेन भी देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार हीमोरॉइड्स देखने को मिलेंगे, मतलब पाइल्स भी हो जाता है, इतना ज्यादा टाइट स्टूल होता है इस पर्सन में कि इसके साथ इसकी वजह से हमें पाइल्स देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लीडिंग पाइल्स होंगे। अब हम इसके फीमेल जेनाइटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके मेंसेस की बात करते हैं तो वुमेन में जो मेंसेस है ना स्पेशली नाइट के समय में आएगा। नाइट के समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो और कौन कौन सी मेडिसिन हो गई हमारी, तो बोविस्टा हो गई,
क्रियोजोटम में भी लाइंग डाउन में सिर्फ मेंसेस होता है, बोविस्टा में नाइट के समय में होता है, दिन के समय में मेंसेस नहीं होता है। अमोनियम म्यूर में भी हमें मेंसेस नाइट के समय में देखने को मिलता है, दिन के समय में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और मैग म्यूर में भी क्या होता है, मैग म्यूर में भी नाइट में ही मेंसेस होता है, डे टाइम पे नहीं होता है। तो हम इसे एबीएम से भी याद कर सकते हैं, ए फॉर अमोनियम म्यूर, बी फॉर बोविस्टा और एम फॉर मैग म्यूर। ये सब में क्या हो गया, नाइट के समय में मेंसेस है। और यही अगर हम डे टाइम से कंपेरिजन करें कि डे टाइम के लिए कौन कौन से मेडिसिन है जिसमें सिर्फ डे टाइम पे मेंसेस देखने को मिलता है, तो सीसीएल, कॉस्चिकम, कैक्टस, क्लीलियम टिगुनम, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मेंसेस कैसा होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, अर्ली होगा और बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होगा, डार्क ब्लड होगा और ब्लैक कलर का ब्लड और क्लॉटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इस मेंसेस के समय में डायरिया देखने को भी मिलेगा और इतनी ज्यादा डायरिया होगी कि वुमेन जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाएगी मेंसेस के टाइम पे। उसके बाद अब हम ल्यूकोरिया की बात करते हैं, तो ल्यूकोरिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को व्हाइट ल्यूकोरिया देखने को मिल रहा हो, जैसे अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा अगर ल्यूकोरिया देखने को मिल रहा है, उस समय भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद ल्यूकोरिया आपको मेंसेस के बाद देखने को मिल रहा हो और बहुत ज्यादा हो रहा हो ल्यूकोरिया, आफ्टर यूरिनेशन भी देखने को मिल रहा हो और उसके साथ ब्राउन स्लिमी डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हर यूरिनेशन के बाद, जो कि पेन लेस हो, मतलब पेन ना होता हो, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी एक्ट करती है ये। उसके बाद अब हम इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स से बात करते हैं, तो अगर हम नोज में देखें तो नोज में इस पर्सन में क्या होगा कि बहुत ज्यादा लगेगा कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब नाक जो है पूरी भर चुकी है, वो नाक को ब्लो करना चाहेगा, मतलब नाक साफ करना चाहेगा, क्योंकि सांस लेने में इस पर्सन को कहीं ना कहीं कंजेशन, नाक ब्लॉक की वजह से दिक्कत होती है, तो नाक को ब्लो करेगा पर्सन, स्नफल, मतलब इस पर्सन में जब सांस लेता है तो एक आवाज आती है, स्नफल साउंड भी सुनने को मिल सकता है। कोराइजा हो गया ये। अब हम कफ की बात करते हैं, तो व्हाइट कफ होगा इस पर्सन में, दिन के समय में ड्राई रहेगा, आफ्टरनून के समय में लूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके पाइल्स की बात करते हैं, तो ये पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को एक्सटर्नल पाइल्स हो, वो भी में ब्लीडिंग पाइल्स हो, और स्टूल पास आउट करने के बाद अगर पाइल्स के सिम्टम्स एग्रावेट होते हों, स्पेशली एक घंटे के बाद बहुत ज्यादा बर्निंग देखने को मिल रही हो, बहुत ज्यादा पेन देखने को मिल रही हो, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।